कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इन दिनों एक नया अवतार देखने को मिल रहा है, जो अवतार कभी मोदी का देखने को नहीं मिला। मोदी ने सिर्फ और सिर्फ आम जनता से बातें की हैं, मगर राहुल गांधी ने तो आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा को समझने का काम किया है। अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास। राहुल गांधी जनता के साथ संवाद करने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी जी रहे हैं। सोमवार सुबह राहुल गांधी अचानक से हरियाणा के सोनीपत में रुके और किसानों के साथ खेतों की जुताई की और फिर धन की रुपाई भी की। इस दौरान खेत के मालिक, मजदूर और आम जनता से खेती के बारे में बातचीत की। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी, इस देश को आजादी किसान ने दी, उस अपने खून से दी। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का काम खराब करने में लगे हैं। कभी किसी के घर पर अवैध करोड़ों रुपया निकलता है तो कोई लाचार आम नागरिक के ऊपर पेशाब कर देता है, जिससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है। राहुल गांधी का इस तरह आम लोगों के नजदीक आना और उनके साथ बैठकर खेत में नाश्ता करना, ये सब मोदी नीति के एकदम विपरीत लग रहा है। क्या मोदी ने कभी किसानों के साथ बैठकर ऐसा काम किया है? ये सवाल आपके लिए है। ऐसा लगने लगा है कि मोदी सिर्फ लोगों से बात करने में लगे हैं, राहुल गांधी आम लोगों की तरह आम जिंदगी जी रहे हैं। जनता के बीच मामूली आदमी की तरह खड़े होना और उनसे बातचीत करना, इन सब से पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है। हम आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं, क्या यही राहुल गांधी का असली चेहरा है? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।